मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शनिवार को प्राचीन तीर्थ स्थल बूढ़ा पुष्कर सरोवर में वर्षा जल को पहुंचाने के लिए 9,10,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले फीडर का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन कर शिलान्यास किया। राजे ने बूढ़ा पुष्कर पहुंचने के बाद विभिन्न आश्रमों के साधु संतों और समाज के प्रतिनिधियों से फीडर निर्माण के लिए लाई गई शिलाएं प्राप्त की। उन्होंने साधु संतों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने शिलान्यास स्थल पर आए साधु संतों और विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों से फीडर निर्माण के बारे में बातचीत की और पूर्व में बूढ़ा पुष्कर के जीर्णोद्धार व घाटों के निर्माण में उनके द्वारा दिए गए सहयोग की प्रशंसा भी की। राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने विभिन्न समाज से आए प्रतिनिधियों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री राजे ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शिला पूजन करते हुए पुष्प अर्पित किए और निर्माण के काम में लिए जाने वाले फावड़ा करनी का भी पूजन कर विधिवत शिलान्यास किया। गंधत्वा विश्वकर्मणे नमः यंत्र पूजनम् अक्षतम् समर्पयामि मुखाक्षतम् समर्पयामि। इस मौके पर शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनिता बदेल, पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत, किशनगढ़ विधायक भागीरथ चौधरी, पुष्कर नगर पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, जिला प्रमुख वंदना नोगिया, संभागीय आयुक्त धर्मेंद्र भटनागर, पुलिस महानिरीक्षक अमृत कलश, जिला कलेक्टर डॉक्टर आरुषि मलिक, पुलिस अधीक्षक महेंद्र सिंह समेत कई स्थानीय जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। इससे पूर्व निजी जमीन पर बनाए गए अस्थायी हेलीपैड पर भारी सुरक्षा के बीच मुख्यमंत्री राजे का हेलीकॉप्टर उतरा, जहां पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर ने उनकी अगवानी की और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। जिला पुलिस की ओर से राजे को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके बाद लोगों और जनप्रतिनिधि द्वारा राजे के स्वागत का दौर चला। वहीं कुछ लोगों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए राजे को ज्ञापन भी दिए। इसके बाद राजे का काफिला बूढ़ा पुष्कर की ओर रवाना हो गया। शिलान्यास समारोह के बाद आयोजित आमसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री राजे ने पुष्कर को तिरुपति की तर्ज पर टेम्पल टाउन के रूप में विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने पुष्कर में 24 कोस परिक्रमा के क्षेत्र के विकास, आनासागर और फायसागर के विकास के लिए विशेष प्रयास एवं अजमेर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के साथ संतों के आशीर्वाद और सभी के संयुक्त प्रयासों से राजस्थान अभूतपूर्व विकास की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे न्याय आपके द्वार अभियान में अब तक 5,00,000 से ज्यादा प्रकरणों का निस्तारण हुआ है, जनता को राहत मिली है। यह अभियान प्रतिवर्ष चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आनासागर और फायसागर झील को भी विशेष रूप से विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन दोनों झीलों के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे, शीघ्र ही इस पर निर्णय भी होगा। उन्होंने कहा कि अजमेर स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, ऐसे में शहर का खूब विकास होगा। आपको याद होगा कि जून के महीने में जब हम पहली दफा यहाँ आए थे और फिर साल में 2006 के अंदर मुझे याद है कि कुछ भी नहीं था, एक गड्ढा था और सावर जी को और लखावत जी को हमने कहा था कि भाई ये बूढ़ा पुष्कर का इतना बड़ा, सब तीर्थों के बीच में इतना बड़ा उनका अधिकार है, ऐसे बूढ़ा पुष्कर को फिर से क्या हम लोग जीवित कर सकेंगे? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, जनता की मांग है परंतु कैसे किया जाएगा। सबने मिलकर अपना सोच विचार किया और मेरे को यह कहा कि आप इसकी चिंता मत करना, हम इसको पूरी तरह से शुरुआत करेंगे और सब लोग मिलकर करेंगे। ये घाटी एक एक जो है वो एक एक घाटी किसी ने, किसी परिवार ने, किसी सज्जन ने या किसी समाज ने हमको दी और कितना सुंदर स्वरूप इसका हो गया है। आज आप इसकी उसके जीने पे खड़े होकर देख रहे होंगे कितना अच्छा हो गया है। मैं समझती हूँ कि इसको पूरा करने का काम ईश्वर की कृपा से हम लोग मिलकर फिर करेंगे। तैयार हो सब करने के लिए, क्योंकि ये अकेला कोई काम नहीं है। इतना बड़ा काम था और हम सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ तक हम पहुंच गए। अजमेर पुष्कर तीर्थराज पुष्कर, उसका नाम तो पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया के अंदर फैला हुआ है। लोग कहाँ कहाँ से आते हैं पुष्कर राज को देखने के लिए और उसके दर्शन पाने के लिए। अब आज ये बातचीत जो चल रही थी, उस बातचीत के अंदर मैं भी सहमति देना चाहूंगी कि अपन, और वैसे भी मैंने पुष्कर के विकास के लिए 4 साल का कार्यक्रम बनाया है, जिसके अंदर हमने कहा कि टेम्पल टाउन जिस तरीके से आपके बालाजी का है, तिरुपति का है, उस तरीके का कुछ स्वरूप इसको देने का काम क्या हम लोग सब मिलके कर सकते हैं? सरकार तो उसमें पूरी तरह से लगने वाली है। अभी तो 9 करोड़ रुपया देके मनरेगा के कुछ पैसे उसमें जोड़ के ये पहला काम तो अपन करेंगे, पर उसमें आप लोग भी जुड़ेंगे, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि जुड़ा बड़ा काम है।
उस बड़े काम में आपके बिना काम अपना नहीं हो सकता। आपने तीन चार चीज मेरे सामने रखी है कि वो 84 कोस परिक्रमा तक 24 कोस की परिक्रमा चाहते हो आप। मैंने कहा वो तीनों परिक्रमाएं जो भी आपको करनी है वो एक दफा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के अपन तय कर लें और पुष्कर का स्वरूप उसी तरीके से बनाने का काम हम लोग मिलके करें, ताकि लोग इसको देखते जब आएंगे तब ये कहेंगे कि ये क्या चीज है पुष्कर, और उसके आशीर्वाद लेके यहाँ से खुश होके जाएंगे। तो इसका एक छोटा सा शुरुआत हम लोगों ने अभी किया है। इससे पूर्व समारोह स्थल पर जाने के लिए आम जनता छोड़ो भाजपा के जनप्रतिनिधियों और नेताओं को भी सुरक्षा चक्र भेदने में पसीने छूट गए। सुरक्षा ऐसी कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा भी पानी मांगे। अभी हाल ही में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने विनीत पारीख को पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा कारणों से अंदर जाने से रोक दिया। वहीं भाजपा देहात अध्यक्ष प्रोफेसर बीपी सारस्वत को भी पुलिस कोप का शिकार होना पड़ा। पुलिस अधिकारियों से अंदर जाने की बात को लेकर इन नेताओं की काफी देर तक जद्दोजहद भी होती रही। आगे क्या मैडम, थोड़ा तो विश्वास किया करो यार हम पर। मैं वैसा यहाँ से नहीं लूंगा, लेकिन लूंगा सारे कार्यकर्ता के साथ बाहर खड़ा रहूंगा। ठीक है।